देख रहे हो? तुम्हें कौन देख रहा है? ये अपना मुशु देख रहा है। मुशु आजा आजा आजा, क्या हो गया तुझे? ये अपना मुशु गाइस उदास पड़ा हुआ है क्योंकि ना आज मैंने इसको सुबह से इस पिंजरे से बाहर ही नहीं निकाला, और इसका घर देखो कितना गंदा हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप मुशु के गाल पे देखो, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा मोल्टिंग हुआ है अब की बार। पिछली बार इससे थोड़ा कम हुआ था, हालांकि इसने एक्सपीरियंस किया तो है मोल्टिंग, और ये इसका सेकेंड टाइम है, पर अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसके लिए, और ये थोड़ा सा नया सा एक्सपीरियंस है। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ ना, तब तक देखो अनार खाने लग गया। अब बताओ मैं आजकल वीडियोस क्यों नहीं डालता, अचानक से क्या हो जाता है? कभी पूरा रेगुलर हो जाता हूँ, कभी वीडियोस महीनों तक नहीं आती। हो क्या रहा है आखिर हमारे चैनल के साथ? आखिर क्यों नहीं डाल रहा मैं आजकल वीडियोस? और इस क्यूट से बच्चे की वीडियोस तो आ ही नहीं रही। जहाँ कुछ महीनों पहले ये बच्चा ऐसा था, अब ऐसा क्या हो गया? रुको चलो सारी कहानी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लो अब तो इसने भी बोल दिया, फिर तो कर ही लोगे ना गाइज। देखो गाइज, जब भी हम कोई पेट पालते हैं तो हमें उसका केयर लेना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ, और अपने फैमिली जैसा उसे रखना चाहिए, ये भी मानता हूँ। उसको समय देना चाहिए, ये भी मानता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, समय दे पाता हूँ क्या? ये आपको पता चलेगा थोड़ा सा वीडियोस में पीछे जाकर। गाइज देखो, मुश मेरे पीठ में बैठा है। तो गाइज आज है 1 मार्च, और ये रहा अपना मुशु। गाइज देख रहे हो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको थोड़ा थोड़ा सा मोल्टिंग स्टार्ट हो रहा है? गाइज तब जो ये मुझे लग रहा था ना, आज मेरे को पता चला कि हाँ, 2 महीने पहले से मुझे पता चलना चाहिए था कि इसे मोल्टिंग होने वाला है। गाइज मोल्टिंग आखिर जो चीज़ है ना, वो सारे बर्ड्स को समर मानसून टाइम में आता है, जो कि उनके पुराने फेदर्स को निकाल देता है बॉडी से और नए फेदर्स आते हैं। इस टाइम पे उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है, उनको थोड़ा सा अलग से रहने का मन करता है, और तो और अकेला अकेला सा लगता है। वो ज़्यादा इस टाइम पे बोल भी नहीं पाते, चिल्ला भी नहीं पाते, खेल भी नहीं पाते। जब उनके न्यू फेदर्स आते हैं तब वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, और तब उनका ये प्रोसेस ख़त्म होता है जब वो कम्प्लीटली न्यू फेदर्स गेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोल्टिंग। और गाइज ये वो कारण है जिसके कारण से अपना ये तोंदूराम आजकल बोलता नहीं है, यानी बोलता है पर काफ़ी ज़्यादा कम। ये देखो, पहले इतना अच्छा था और अब इसके फेस का देखो क्या हाल हुआ है। ये छोटे छोटे से फर देख रहे हो, ये इसके मुंह से उतर रहा है। सिर्फ मुंह की बात नहीं है गाइस, पूरे बॉडी की बात है। इसीलिए आज के लिए मेरे साथ खेलता ही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी कम करता है। मैं तो भर भर के प्यार देता हूँ, ये तो भर भर के प्यार लेता है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा अपने बर्ड से अलग रहो। ये मतलब नहीं कि उसको अलग ही कर दो, प्यार देते रहो, टाइम देते रहो, उनको ये जताओ कि आप उनके साथ हो, लेकिन सडनली उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अपनी खुशी के लिए ले गई उनको इरिटेशन मत करो। वो इरिटेट हो जाते हैं। ये बात नहीं है कि इसे मोल्टिंग पहली बार हो रही है, मोल्टिंग तो इसे पहले भी हुई है, यहाँ तक कि मोल्टिंग तो इस हद तक गई है कि उसके पूंछे भी निकल गई। अब इस छोटे से पूंछ को बड़े होने में 1 साल लगा, और इस साल मोल्टिंग में दोबारा गया। मोल्टिंग का सिलसिला तो गाइस हर साल चलता रहता है, लेकिन इस साल गाइस भले ही इसका सेकेंड टाइम हो, पर यहाँ पे गर्मी पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और सच कहूँ तो गाइस मैंने भी कुछ बेसिक मिस्टेक्स किए हैं केयर लेने में, इसीलिए मोल्टिंग ज़्यादा हो गया, लेकिन काफ़ी जल्दी अपना मुशु इसे रिकवर कर रहा है। अब इस सफ़र को ले चलते हैं एक अच्छी सी जगह। मेरा मतलब है कि सब भूल जाओ, सब भी भूल जाओ, मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल रहा, क्यों व्लॉग्स नहीं डाल रहा, क्योंकि आपको तो समझ में आ ही चुका होगा इन कारणों से। ऊपर से मुशु को इतनी ज़्यादा मोल्टिंग होती है कि मैं उसे रेस्ट करने देता हूँ, और ज़्यादा उसको बाहर भी नहीं निकालता, इसीलिए मैं उसकी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल पाता, लेकिन जब मन करता है मैं कभी कभार डाल देता हूँ। और मैं चाहता भी यही हूँ कि इसी तरीके से अपने मुशु की प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ आती रहें, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि गाइस मुशु की वीडियोस में लगातार डालते रहूँगा।
लेकिन थोड़ी देर के लिए गई सब भूल जाओ और एंजॉय करो इस प्यारे से छोटे से बच्चे का नाइट व्लॉग। ये देखो मुशु का रात का खाना आ चुका है। मुशु अपना सनफ्लावर सीड खाते खाते इसे मैंने अपने हाथ में गेहूँ रखा और ये अपने मेरे हाथ से धीरे धीरे से अपने प्यारे प्यारे मुँह से गेहूँ लेके खा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम लैप्स से दिखाता हूँ। ले ऐसे खा ले या फिर हाथ दिखाऊँ? देखो देखो यहीं पहुँचते। खाना पीना सब हो गया, अब इसके पानी को निकालते हैं और प्यारा प्यारा मटके का पानी रख देते हैं। रात में सोएगा, प्यास लगेगी तो गाइस ये ऐसे ही पानी अपना पीता है। ओके तो अभी हम पानी रखने जा रहे हैं मुशु के पास। मुशु कहाँ गया अपना? अच्छा ये रहा। चलो सनफ्लावर सीड्स भी निकाल देते हैं और इसकी सनफ्लावर सीड्स देखो मैं ये देता हूँ, रात को थोड़ा सा रख देते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठता है मेहमान तो खा लेगा। गड्ढा शेड्डा मास, सोने चलो जल्दी सोने चलो। हाँ अभी सोई सोई करोगी ठीक है। ये देखो गीला कपड़ा भी ऐसे लगते ही अपना मुशु आराम से सो जाएगा। ये देखो फ्लैश में सो जाओ मैं फ्लैश बंद कर रहा हूँ, सो जाओ। सो एट द लास्ट ऑफ द व्लॉग, बाय बाय। नानी मुशु को सुलाने में लगी है लेकिन अपना मुशु नहीं सो रहा क्योंकि गर्मियों के दिन है ना। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, कूलर के नीचे लूंगा।